धामपुर नगर पालिका परिषद में स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक बैठक की गई, जिसमें मंडल और जनपद के कई चेयरमैन ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया। जानकारी के अनुसार धामपुर नगर पालिका परिषद में चौधरी रवि कुमार सिंह के संयोजन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के देशराज सिंह के पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा बुक्के भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा बैठक में आए हुए सभी अतिथियों और चेयरमैन का भी शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। बैठक में कई सूत्रीय मांगों को लेकर विचार किया गया। बैठक में स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा शेख शाहनवाज खलील को जिला अध्यक्ष और चौधरी रवि कुमार सिंह को जिला महासचिव बनाया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष श्री देशराज सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन। आप धामपुर में आए, आपका स्वागत। और जितने भी यहाँ एसोसिएशन से जुड़े हुए अध्यक्ष आए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई। साथियों, अभी मुझसे पूर्व तक मुश्किल भाई बता रहे थे समस्याएं, क्योंकि मैं पहली बार निर्वाचित हुआ हूं। हमसे पूर्व वाले जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे सेवा पठान साहब चल रहे हैं, बाहर अभी वो है कमाल भाई है, रहमान साहब है, जो पीढ़ियों से कई दशकों से चलते आ रहे हैं, लगातार चेयरमैन का पद संभाले हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके सानिध्य में हमें भी कुछ अनुभव मिलेंगे और किस सुचारू रूप से हम अपनी व्यवस्था नगर पालिका चला सके, उनके तजुर्बे का हमें बहुत बहुत साथ मिलेगा। इसके लिए मैं अध्यक्ष साहब को, जो हमारे बने हैं, शाहनवाज भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका सानिध्य मुझे प्राप्त रहेगा और अच्छे रूप से अपने नगर पालिका का कार्य कर सकूंगा। साथियों, जहां तक तुलसी भाई कह रहे थे कि कुछ ईओ जो होते हैं वो अपने आप को अध्यक्ष समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। यहाँ धामपुर नगर पालिका में चेयरमैन ही सर्वेसर्वा है, जो चेयरमैन कहता है यहाँ वही होता है। और मैं सोचता हूँ कि जितनी भी नगर पालिका है और उसकी जिला बिजनौर की है, वहां पे सारे चेयरमैन अपने आप को बहुत समझे, और कहीं कोई समस्या आएगी ईओ से संबंधित हो, चाहे जेई से संबंधित हो, चाहे एडीएम साहब से संबंधित हो, तो हम सब मिलकर वाली बात अपने डीएम साहब से रखने की बात करेंगे, उस समस्या का समाधान होगा। ये आज हमारी पहली बैठक हुई है और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी यहाँ पर हमारे साथी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, सबका भोजन करके जाए और आगे भी पुनः इस तरह के हम कार्यक्रम आयोजन करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान खुर्शीद मंसूरी, हृदय श्रीवास्तव, शेख फैसल वारसी, डॉक्टर एमपी सिंह, शेरबाज पठान, मुजम्मिल हुसैन, इंजीनियर मुअज्जम, शेख शाहनवाज खलील, याकूब राइन आदि ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक का संचालन हृदय श्रीवास्तव ने किया। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। मान करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजक रवि चौधरी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतने कम समय में इन्होंने इस कार्यक्रम को रूपरेखा देकर इतना बड़ा तैयार किया। आज के जिलाध्यक्ष चुने गए शाहनवाज भाई, फैसल भाई और हमारे महेंद्र सिंह जी, सरदार जी, और मेरे सामने सभी बैठे चेयरमैन, सभी चेयरमैन अपने आप को एक प्रदेश अध्यक्ष के दस्ते देखें, क्योंकि सभी लोग, कोई छोटा है, कोई ज्यादा वोटों से जीतता है, कोई कम से जीतता है, हर आदमी के मन में एक ही भाव आता है कि हमें सेवा करनी है, और हम उस सेवा के काबिल नहीं हो पा रहे हैं। उनके बीच में कुछ हमारे साथ समस्याएं भी आ रही हैं, विधायक से लेके और सांसद तक अधिकारियां उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया करते हैं, लेकिन काम, सरकार के काम, सरकार की सारी क्रिया बहन प्रदेश के चेयरमैन करने का काम करते हैं, ना कि विधायक करता, ना कोई सांसद। जनता के यहाँ अगर किसी का कुत्ता मरता है तो सुबह उठने तक, पहले कुत्ता उठाने तक की जिम्मेदारी चेयरमैन की है, क्योंकि विधायक तो सुनने वाला है नहीं है, चेयरमैन थाने भी जाएगा। चेयरमैन हर व्यक्ति के, ऐसे कोई जनता का काम नहीं है जो चेयरमैन के हाथ से निकल के ना हो। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि जनता के बीच में कभी विधायक नहीं मिलेगा आपको, ना कभी सांसद मिलेगा, ना कोई मंत्री मिलेगा। और उसके बाद हम जनप्रतिनिधियों की स्थिति ऐसी स्थिति होती जा रही है कि दिन पे दिन कुछ चीजें हमारी कम करती जा रही है, धीमे धीमे कटिंग कर रहे हैं। एक साथ करेंगे तो इनको लगेगा कि कुछ होने वाला है, तो धीरे धीरे आपके अधिकारों पे
चाकू चलाने का काम कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, जबकि 16वें 15वें वित्त में या 14वें वित्त में जो भी रहा पीछे से समय, और हम 15 वित्त चला है पीछे जाए, जिलाधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह 2000 के शासन आदेश में, 2016 के शासन आदेश में लिखा हुआ है, केवल जिलाधिकारी को मीटिंग करने का अधिकार है और उस मीटिंग में प्रस्तावों को पास करने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सारी जिम्मेदारी चेयरमैन के कंधे पे होती है, अगर कहीं उसमें गलत होती है तो चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। और उन परिस्थितियों में विधायक निधि से काम होते हैं तो विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और वो अपना विधायक निधि से अपना एजेंडा करवा देते हैं। उन परिस्थितियों में हम लोगों के साथ फाइल को जाइए, 3 बार सर्वे कराइए कि जेई से होगा कि एई से होगा, निरंतर 3-3 बार फाइलों को रूटीन अप कराते हैं। ये हमारे अधिकारों का हनन है, सीधा सीधा हनन है। प्रशासनिक हमने तो कह दिया था, हमारे जिले में हुआ था, मैंने आप अधिकार दे रहे हैं, आप करिए, हमसे क्या मतलब, आप चेक पेमेंट करिए, डायरेक्ट सरकार से कहिए कि आपके खाते में पैसा दे और उसका करे। जब हम जिम्मेदार हैं सरकार के पैसे की, देखरेख की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो उसके बाद क्यों। तो इन सब चीजों को लेते हुए संगठन आपकी बातों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। जैसे आपका शिष्टाचार व्यय है, मानदेय प्रधान को मिलता है, चेयरमैन को मानदेय भी नहीं मिलता है। आपको गुर्गे, विधायक के गुर्गे फ्री से निकलेंगे, चेयरमैन श्रम की वजह से टोल से भी नहीं गुजर सकता। आधी रात जनता के बीच में, रात में कब जाना है कब आना है उसका सोना तय नहीं है, जगना तय। लेकिन जनता के बीच में रहने के बाद भी हमारी सुरक्षा सबसे ज्यादा दुश्मनी अगर किसी की है तो चेयरमैन की, विधायक से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि वो जनता के बीच में काम ही नहीं करता। चेयरमैन सत्य के ज्यादा काम करता है, इसलिए सत्य का हमेशा विरोध हुआ है, पछतावा जरूर होता है। जिस तरीके से अभी हमारे प्रधान साहब कह रहे थे, जो तपता है, और समझ लीजिएगा लोहे को कितना भी तपा लो लेकिन जब लाल होता है तो बड़ा खतरा दिखता है, लेकिन सूख ठंडा होने के बाद बहुत मजबूत होता है। तो ये तो तप गए हैं और ये आपको दिशा दे रहे हैं, इनके तो हमें भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। जहां लीगल एडवाइजिंग की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमें एक अच्छा सा वकील हाई कोर्ट में देखना होगा, और आप जानते हैं कि वकील किसी का बंधुआ मजदूर तो रह नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन हम उसमें एक दिन ऐसा समय, हफ्ते में 15 दिन में एक दिन अपने लिए ले लेंगे, जो भी इनकी फीस होगी, कि 2 घंटे 3 घंटे हमारे अध्यक्षों के कोई भी प्रॉब्लम है उनकी, कोई निस्तारण की कोई तरीका है या उसका कोई कानूनी कोई प्रावधान है, उनसे राय लेने की प्रक्रिया में हम उसको अमल में लाएंगे। ये हम पहले भी तय कर चुके हैं, कल भी अपने मंडल में कहा था कि हमारा एक वकील हाई कोर्ट में रहेगा, सभी चेयरमैनों की कोई भी समस्या होगी उस एसोसिएशन के माध्यम से वो कार्य किया जाएगा, लेकिन पहुंचना आपको उसमें पड़ेगा।